हम अवकलन के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। हम वाई का फलन, वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष कर चुके हैं। हम प्राचलिक समीकरणों का अवकलन कर चुके हैं, अवकलन कर चुके हैं। साथ ही हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन कर चुके हैं, लॉगरिथम का उपयोग भी कर चुके हैं अवकलन में। अभी तक हमने सिर्फ अवकलन एक बार ही किया है, आज हम शुरू करेंगे दो बार अवकलन। ये दो बार अवकलन कैसे होता है, इस सारी प्रक्रियाओं को आज हम समझेंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। मैं हूं आपका राज सर। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के अवकलज। बात आता है द्वितीय कोटि के अवकलज। सबसे पहले बात आती है कि ये द्वितीय कोटि के अवकलज में ये द्वितीय कोटि क्या है। कोटि का मतलब है कि अवकलन कितनी बार किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास है y बराबर एफ एक्स, सिंपल है भाई। x एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है, फलन किसका, x का, और किसके इक्वल है, y बराबर। तो y बराबर एफ एक्स, जब हम इसका अवकलन करते हैं तो अपने पास आता है dy वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको हम नॉर्मली लिख देते हैं एफ डेश एक्स। एफ डेश एक्स का मतलब है एक बार अवकलन हो चुका है। अगर इसी का हम दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम दोबारा इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अवकलन का चिन्ह होता है डी बट्टा डीएक्स, और किसका कर रहे हैं, डी वाई बट्टा डीएक्स का दोबारा अवकलन कर रहे हैं। यहां इसका अवकलन दोबारा करोगे तो एक डेश है यहां, तो यहां आ जाएगा एक और दो डेश एक्स, तो इधर तो दो डेश आ जाएगा, तो यहां क्या आएगा, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए डी डी ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई एज इट इज डिवाइड बाई डीएक्स 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 स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है वो केवल एक्स पर नहीं है, ये पूरे डीएक्स पर है, लेकिन हम सिस्टमेटिक ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एफ डबल डैश एक्स के बराबर होता है। इसको आप डी टू बट्टा डीएक्स स्क्वायर वाई के रूप में लिख सकते हो। ये द्विकोटि का अवकलन कहलाता है। यानी जब आपको अवकलन द्वितीय कोटि का फाइंड आउट करना हो तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये है हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज, जिसमें हम क्या करते हैं, y बराबर एफ एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स, एक बार अवकलन किया, फिर दोबारा अवकलन किया d बट्टा डी एक्स, और इस जो रिजल्ट आया वो डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। इसे हम एफ डेश एफ डबल डेश एक्स से व्यक्त करते हैं, यानी या तो दो बार अवकलन कर दो या इसको डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर लिख दो। तो डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर वाई एफ डबल डेश एक्स, इस तरीके से इसको व्यक्त किया जा सकता है। राइट, तो उसी पार्ट का दोबारा अवकलन कर दो, यही द्वितीय कोटि का अवकलज है। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझेंगे कि किस तरीके से इनके अवकलज किए जाएं। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, यदि वाई बराबर एक्स की पावर 20 हो तो डी टू बट्टा डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करो। डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर क्या, अपने पास है वाई बराबर एक्स की पावर 20, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। करें एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है डी वाई बट्टा डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 20 का अवकलन। सूत्र याद है, एक बार ऐसे लिखता हूं, डी बट्टा डी एक्स एक्स की पावर 20, अवकलन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, 20 में से एक गया 19, तो अपने पास आ गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 20 एक्स की पावर 19। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर यानी दोबारा हम अवकलन करेंगे, तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा हम अवकलन करने जा रहे हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं, दोबारा जब अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, ये वाला पोर्शन दोबारा अवकलन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई पढ़ चुके हम, कैसे आता है, इज इक्वल्स टू डी बट्टा डी एक्स 20 एक्स की पावर 19।
और हम जानते हैं 20 कांस्टेंट राशि है इनटू एक्स की पावर 19 का अवकलन 19 एक्स की पावर 18 होता है। ये आ गया 19 दुनिया 38 380 एक्स की पावर 18 और ये आपका रिजल्ट। तो इस तरीके से कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आप दो बार अवकलन कर दीजिए उसे ही हम द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हैं। एक बात विशेष ध्यान दीजिए कि d2y बट्टा dx स्क्वायर ये है द्वितीय कोटि का अवकलन, dy बट्टा dx का स्क्वायर ये नहीं है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, दोनों डिफरेंट है। तो ध्यान रखना द्वितीय कोटि का अवकलन ये होता है जिसको ये दो कोटि होती है, जो इसकी घात होती है वो दो कोटि होती है, y की घात एक ही होती है। तो इस तरीके से जो आता है वो द्वितीय कोटि का अवकलज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, y बराबर e की पावर 6 cos 3x हो तो ज्ञात कीजिए, सिंपल है। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर करें dy बट्टा d बट्टा dx e की पावर 6x cos 3x, दो पार्ट है फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, एक एक करके करें। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का अवकलन cos 3x प्लस cos 3x as it is first का अवकलन e की पावर 6x, ऑलराइट, e की पावर 6x as it is cos का अवकलन क्या होता है, cos का माइनस sin x, तो माइनस का sin 3x, 3x का अवकलन क्या होता है 3, प्लस cos 3x as it is e की पावर 6x का e की पावर 6x, e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x और 6x का अवकलन 6, तो ये 6 एक्स्ट्रा आएगा। देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 3 e की पावर 6x sin 3x प्लस 6 cos 3x e की पावर 6x, कॉमन आ रहा है कुछ, e की पावर 6x 3 कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर 6x 3, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 3x प्लस cos 3x। तो इस तरीके से इनका अवकलन ज्ञात कर सकते हो, 3 e की पावर 6x माइनस साइन 3x प्लस cos 3x। आगे इसको और हल करते हैं, ये अपने पास जो मैटर आया है वो है dy बाई dx। अब हम ज्ञात करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d2y बटा d, यहां देखो द्वितीय कोटि का अवकलन यहां से स्टार्ट है, अब इसका दोबारा कर देते हैं d बटा dx 3e की पावर 6x माइनस साइन 3x प्लस, यहां देखिए हमने 2 लिखना भूल गए थे, 2 cos 3x, ऑलराइट। अब इसका अवकलन करते हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया और ये आ गया अपने पास सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट सेकंड पार्ट से हम इसका अवकलन करते हैं, तो इसका आ गया फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का अवकलन d बट्टा dx माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x प्लस सेकंड को छोड़ दो माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x और d बट्टा dx e की पावर 6x। ये जो 3 है वो कांस्टेंट है, वो दोनों तरफ पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कांस्टेंट 3 है आप कॉमन ले लीजिए, ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों में है, तो बाहर रख लीजिए इसको। e की पावर 6x इसका अवकलन करेंगे माइनस sin थीटा का अवकलन क्या होता है cos थीटा, यही होता है ना। अब 3x का अवकलन क्या होता है 3, ये लिख देता हूं इधर, प्लस cos थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा, और 3x का अवकलन क्या होता है 3 और ये 2 पहले से है, प्लस माइनस sin 3x प्लस 2 cos 3x और e की पावर 6 का अवकलन e की पावर 6x और 6x का अवकलन 6, ये अपने पास मैटर आ गया है। ऑलराइट, इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अपने पास आया देखो थ्री बाहर है। एक चीज और देखिए, e की पावर 6x यहां भी है और e की पावर 6x यहां भी है, कॉमन ले लीजिए। तो ये आ गया अपने पास 3e की पावर 6x। फिर क्या बचा अपने पास, माइनस 3 कोस 3x, 3 × 6 माइनस 6 साइन 3x, कितना है 6 माइनस 6 साइन 3x, 6 × 12 प्लस 12 कोस 3x, यह आ जाएगा 3e की पावर 6x और यह आ जाएगा माइनस 3 कोस x और 12 कितना हो गया 9 कोस 3x माइनस 6 और 6 12 साइन 3x। तो अपने पास रिजल्ट आ गया ये, जो आपका फाइनल d2y/dx² है। एक बार फिर देख लीजिए, छोटा करके बता देता हूं मैं आपको पूरा, ये रहा आपके सामने। सबसे पहले आपने फर्स्ट सेकंड से इसका आउटलन dy/dx का एक बार आउटलन किया, फर्स्ट सेकंड से दोनों का आउटलन कर दिया, रिजल्ट अपने पास ये आया। फिर हमने दोबारा एक्स के सापेक्ष आउटलन किया, वही फर्स्ट सेकंड ले लिया, फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का आउटलन, सेकंड को छोड़ दिया फर्स्ट का आउटलन, इनके आउटलन कर लिए, e की पावर 6x कॉमन ले लिया और ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फर्स्ट का आउटलन, इनके आउटलन कर लिए, e की पावर 6x कॉमन ले लिया और ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल कुछ अलग, आउटलन करने पर करें तो इधर तो आ जाए, दोबारा एक्स के साथ प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का आउटलन बराबर d/dx 1। ऑलराइट, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये पोर्शन है अपने पास ये वाला, यहां आगे बात करता हूं। अब देखिए आगे क्या करना है, अंडर रूट प्लस डी वन माइनस एक्स स्क्वायर, इजीली होता है ना भाई। ये क्या है अपने पास, थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूं इसको, ये है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का आउटलन क्या होता है, ए लिख दिया हमने 1/√x इनटू टू एक्स, ये अंदर का आकलन हो गया। ठीक है,
बराबर, इसको हटा देता हूं, वन का अवकलन शून्य। अब देखिए माइनस एक्स, एक्स बट्टा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। थोड़ा ऊपर चढ़ाते हैं इसको। अब करते हैं थोड़ा सा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले रखा है, ले लेते हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। ले लिया, ये एलसीएम इससे गुणा होगा तो यह आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर जीरो। जो है डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर जीरो। सही रही प्रूव करना था, जो आपको प्रूव करना था वह रिजल्ट आपके सामने है, यही अपने को प्रूव करना था, चेक करने प्रूव ये करना था। अभी देख लेते हैं, ये लीजिए आपके सामने पूरा रिजल्ट है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ये प्रूव करना था हमें, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो। सबसे पहले हमने क्या किया, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स था, एक बार अवकलन किया, अवकलन करने के बाद हमने काम क्या किया, इसको गुणा में लिया, ठीक है ना, इसको गुणा में लिया क्योंकि हमें ऐसा गुणा में चाहिए था। फिर हमने क्या, एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन किया, दोबारा अवकलन किया तो फर्स्ट सेकंड से कर लिया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का अवकलन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन, इधर वन था वन का अवकलन, ये एज इट इज आ गया, इसका डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आ गया प्लस डी वाई बटा डी एक्स, इसका अवकलन एक बट्टा दो रूट एक्स होता ही है, और वन माइनस एक्स स्क्वायर का जीरो माइनस टू एक्स, और इसका अवकलन हो गया जीरो। फिर हमने क्या किया, ये छोड़ दिया एज इट इज, और यहां से दो कैंसिल, माइनस एक्स ये लिख दिया दोनों में, लघुतम ले लिया वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये एज इट इज आ गया, इसको जीरो की तरफ ले गए तो जो बच गया वो आपका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरीके से इजीली आप कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपके पास ये हो तो सिद्ध कीजिए, ये वाला आपको प्रूव करना है, d2y बटा dx स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको दिया गया है y बराबर a sin x प्लस b cos x, तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष में ऐसे लिख रहा हूं, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, dy by cos x, बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्लस b cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x, हमने दोनों तरफ अवकलन कर दिया है। क्या करें, क्या क्या करें, दोबारा अवकलन कर दो, ये इसको आ जाएगा dy बट्टा dx बराबर a cos x माइनस b sin x, ऑलराइट। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा x के डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, इधर a cos x माइनस b sin x, ठीक है, d बट्टा डी एक्स, यह आ जाएगा a cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस ऑफ sin x माइनस बी साइन एक्स का कोस एक्स, राइट। तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, मेरे ख्याल से ये देख लीजिए, यहां ध्यान दीजिए, ये हमने ए वाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, क्या था, वाई बराबर, ये रिजल्ट अपने यहां काम आ जाएगा, यहां काम में कैसे लेंगे वो समझिएगा,
तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, यही था ना y, ये y इधर ले जाओ तो डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस y बराबर जीरो, और ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो एक बार थोड़ा सा पूरा रिव्यू दिखा देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन है, आपको करना क्या था, आपको करना था सबसे पहले y बराबर a sin x b cos x दिया गया, ये प्रूव करना है। आपने किया x के सापेक्ष अवकलन, जैसे x के सापेक्ष y का dy बटा dx, a sin x का cos x, b cos x का माइनस sin x, इसको इस तरीके से लिख लिया। फिर हमने दोबारा अवकलन किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो हमने दोबारा अवकलन किया, दोबारा अवकलन किया तो अपने पास आया डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर डी बट्टा डी एक्स, और ये पार्ट लिख लिया। यहां जब हमने अवकलन किया, a cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, माइनस b as it is sin x का अवकलन होता है cos x, दोनों में माइनस कॉमन है रहे बाहर ले लिया, तो याद होगा a sin x और b cos x, a sin x और b cos x का मान है y, इसकी जगह हमने रख दिया y, y को इधर ले आए, रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। इस तरीके से आप द्विकोटि का अवकलन ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों आप, अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही घंटी बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी हम अपने नए वीडियो का नोटिफिकेशन डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा। साथ ही मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स है आप सारे करें, एक भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, साथ में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए उस पर संपर्क कर सकते हैं, और साथ में ही इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।